आज दोपहर 12 बजे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर जाम लगना शुरू हो गया। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं मैं। नोएडा से आज किसानों का दरअसल दिल्ली कूच का ऐलान था। किसानों के कूच से पहले ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल आपके सामने है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति जाम की बनी हुई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमा होकर किसान आगे बढ़ने की तैयारी में आज दोपहर 12 बजे का समय किसानों की तरफ से दिया गया है दिल्ली कूच करने का। ये घोषणा पहले ही किसानों ने कर दी थी। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों और प्राधिकरण के बीच 5 मांगों को लेकर सहमति बन नहीं पा रही। ऐसे में किसान संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो ये ग्रेटर नोएडा के किसान हैं, दिल्ली कूच का ऐलान इनकी तरफ से किया गया है और जो इनकी मांगे हैं उसमें 5 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर इनकी प्राधिकरण के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन भी करते हुए इन किसानों को हमने देखा है और ऐसे में आज साफ तौर पर किसानों की तरफ से कहा गया कि वो नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इसी को लेकर ये जरा तस्वीरें देखिए आप, ये जाम की तस्वीरें। दरअसल नोएडा से इस वक्त अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो जिस भी रास्ते से आएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ जाम की तस्वीर। किसान दोपहर करीब 12 बजे नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन किसानों के कूच से पहले ही ट्रैफिक जाम से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। रूट डायवर्जन किए गए कई जगह और रूट डायवर्जन की वजह से चिल्ला बॉर्डर, कालंदी कुंज पर जाम के हालात जो है वो अभी से बन चुके हैं। गाड़ियां सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रही हैं और पुलिस ने किसानों के कूच को लेकर बड़ी तैयारी कर रखी है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस मुस्तैद है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है और उसी की वजह से ये जाम की स्थिति जो इस वक्त नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर्स पर बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो निकल नहीं पा रही हैं। और ऐसे में पीछे सड़क पर देखिए कितना किलो लंबा, कई किलोमीटर लंबा ये जाम देखने के लिए मिल रहा है। चाहे DND हो, DND की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, DND पर ये भीषण जाम है। और ये नोएडा से जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है उस तरफ ये जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसानों ने ऐलान यही किया कि वो नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करें। इस बीच लोहे की कीलों के साथ तैयार पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस वैन में लोहे की कीलें भी नजर आई हैं। दरअसल ये वो पट्टियां होती हैं जो पुलिस की तरफ से सड़क पर बिछा दी जाती हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के लिए, ताकि अगर पुलिस के रोकने के बावजूद कोई गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो फिर इन कीलों से टायर पंक्चर हो जाए और वो आगे ना बढ़ सके। किसान जो हैं वो ट्रैक्टर्स के जरिए दिल्ली की तरफ कूच की तैयारी कर सकते हैं और उसी को देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैद पुलिस। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं रिया, लगातार कालिंदी कुंज इलाके से आप तक अपडेट पहुंचाने का काम कर रही हैं, और अहमद बिलाल कुछ देर पहले चिल्ला बॉर्डर पर थे, इस वक्त DND पर पहुंच चुके हैं। पहले जरा जल्दी से बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं बिलाल से, ये जो नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता है उसी तरफ ये गाड़ियों का पूरा रेला नजर आ रहा है बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं DND पर हूँ, मौजूद हूँ और ये जो रास्ते की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता है और आपकी जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ मुझे गाड़ियों की कतारें जो है वो दिखाई दे रही हैं और ये इतना लंबा जाम है कि इस एक एम्बुलेंस जो है वो भी इसमें जो है वो फंसी हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है।